अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। स्टूडेंट आज हम फर्स्ट सेकंड ईयर का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव क्या होता है, देन फर्दर जो डेरिवेटिव का सारा जो प्रोसेस होगा उसको हम कहेंगे कि डिफरेंशिएशन। तो डेरिवेटिव क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, जिस फंक्शन की आप बात करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है, तो x को आप कहेंगे कि x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो चेंज आएगा वो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। तो इंडिपेंडेंट कौन सा, x है। तो x यहां पढ़ते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू, wrt का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। इट इज डिनोटेड बाय dy ओवर d ऑफ x से भी डिनोट कर सकते हैं और f प्राइम ऑफ x से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसकी डिफरेंट नोटेशन जो है डिफाइन करवाई हैं। तो आप जौन सी मर्जी नोटेशन यूज करेंगे उसका मीनिंग यही होगा। तो मैथमेटिकली dy ओवर d ऑफ x इक्वल होता है लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस जीरो, डेल्टा x इज अ स्मॉल पॉजिटिव चेंज, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। तो इस सारे को दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैथमेटिकली डेफिनेशन है। ये कैसे ये सारा एक्सप्रेशन आया, y इक्वल f ऑफ x होता है हमारे पास, तो इसको हमने इक्वेशन वन का नाम दिया। तो फर्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, इसके लिए फोर स्टेप हम डेफिनेशन बनाने के लिए यूज करते हैं। टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे इंक्रीमेंट लेना है। x में डेल्टा x का चेंज होगा, स्मॉल नंबर जो है वो उसमें हम एड अप करेंगे और y में जो है वो डेल्टा y चेंज होगा। तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x, x की जगह पे हमने x प्लस डेल्टा x लगा दिया और y की जगह पे y प्लस डेल्टा y, ये इक्वेशन टू बन गई है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम टू, इक्वेशन जो है वन है वो टू से सब्ट्रैक्ट कर देनी है। तो लेफ्ट साइड दो इक्वेशन की जो होती है वो लेफ्ट साइड लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट होती है और राइट साइड जोन सी होती है वो राइट से सब्ट्रैक्ट होती होती है। यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट कर दी और देन सेकंड जो है राइट साइड राइट से, तो वाई जो है वो आपका वाई से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपने करना है डिवाइडिंग डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, ये आपका स्टेप थ्री कंसीडर होगा। डेल्टा एक्स पे दोनों साइड पे डिवाइड करना है, लेफ्ट साइड पे भी डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिया और राइट साइड पे भी डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिया। फोर्थ स्टेप क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो ऑन बोथ साइड, लिमिट आपने ली इस फंक्शन की, लेफ्ट साइड पे भी लिमिट लेंगे और राइट साइड से भी लिमिट ले लेंगे और राइट साइड जोन सी है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स जो है वो इक्वल जो है डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स हो जाएगा। और इस साइड पे ये आपकी डेफिनेशन बन गया। तो ये तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, ये किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आगे नेक्स्ट प्रीवियस इससे आगे जौन से आपके कॉन्सेप्ट आने वाले हैं उनमें हम पावर रूल और क्वेश्चन रूल प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे, उससे डायरेक्ट आप डेरिवेटिव निकाल लेंगे। लेकिन ये विद द हेल्प ऑफ किसी भी फंक्शन का विद हेल्प ऑफ डेफिनेशन डेरिवेटिव निकाल लो, उसके लिए हमने यहाँ पे फोर स्टेप इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा बाय यूजिंग फोर स्टेप मेथड, बाय यूजिंग एप इनिशियो मेथड, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो यही काम आप करेंगे। आपको एक फंक्शन दिया हुआ f of x is equal to x square, इसका स्टूडेंट आपने स्टेप वन में क्या करना, टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे इंक्रीमेंट लेना है, x प्लस डेल्टा x आ जाएगा और x स्केयर है, इधर भी x प्लस डेल्टा x का स्केयर आ जाएगा, यही क्वेश्चन टू बन गई है। देन सब्ट्रैक्ट करना है वन को टू से, तो लेफ्ट साइड लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, राइट साइड राइट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। स्टेप थ्री में क्या करना है, डिवाइड डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर देना है और राइट साइड में भी डेल्टा एक्स पे। ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ए प्लस बी का स्केयर ओपन किया हुआ है और माइनस एक्स स्केयर, ये एक्स स्केयर जो है स्टूडेंट इस एक्स स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप पे क्या करना है, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे लिमिट लेनी है, तो इधर भी आपकी लिमिट आ जाएगी और इधर बात जाएगा डेल्टा एक्स का स्केयर प्लस टू एक्स डेल्टा एक्स, यहां से डेल्टा एक्स ऑफ ले लेंगे कॉमन,
ये कॉमन आ जाएगा, इधर स्केयर है तो एक डेल्टा एक्स बच जाएगा प्लस टू एक्स बच जाएगा, डेल्टा एक्स कॉमन चला गया और डेल्टा एक्स पे हमने डिवाइड कर दिया, ये डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा। और इस साइड पे आप देख सकते हैं इट इज क्लियर दैट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये है। इसकी जगह पे हम डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स लिख सकते हैं और राइट साइड पे डेल्टा एक्स लिमिट पुट कर देंगे, यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह पे जब आप जीरो पुट करेंगे तो ये वाली टर्म जो है वो सारी जीरो हो जाएगी, टू इंटू जीरो प्लस टू एक्स, तो ये रिजल्ट आपका टू एक्स आ जाएगा, ये टू एक्स आ गया। तो ये डेरिवेटिव वाई का शुरू शुरू में हमें पता है कि वाई जो है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है, डी ओवर डी ऑफ एक्स टू एक्स, यहाँ पे शो हो गया है कि एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो टू एक्स है। सिमिलरली आप 2.1 एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है उनको बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल बाय यूजिंग फोर स्टेप मेथड, तो सारे क्वेश्चन को सिमिलरली ऐसे ही प्रूव करेंगे, फोर स्टेप लगा के। प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट लेक्चर